दोस्तों आज हम आपको बताएंगे स्टोरीज ऑफ बेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम। तो आइए देखते हैं जे कटलर। जे कटलर ने काफ़ी छोटी सी उम्र से ही बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कर दी थी। ये तकरीबन अब तक 4 बार मिस्टर ओलंपिया विनर रह चुके हैं। जब ये केवल 15 साल के थे तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। कुछ पैसे कमाने के बाद ये किसी जेल में करेक्शन ऑफिसर भी बनना चाहते थे। इन्होंने 1993 में कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन धीरे धीरे इनका पढ़ाई से मन उठने लगा और इन्होंने बॉडी बिल्डिंग को अपना कैरियर चुना और देखते ही देखते ज़बरदस्त बॉडी बना दी और कई प्रतियोगिताएं भी जीती। धीरे धीरे ये मशहूर भी होने लगे और कटलर ने हमेशा से ही अपनी डाइट का ध्यान रखा और हमेशा फिट रहे। आर्नोल्ड, दोस्तों इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये अपने ज़माने के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर्स रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ में काम किया है, आप बेहतर जानते हैं। इनको हमेशा से बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये इतने कामयाब होंगे एक दिन। इनका मानना ये था कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए दर्द को पीना ज़रूरी है। लोग इनको काफ़ी पसंद करते थे। दोस्तों इन्होंने अपनी बॉडी को काफ़ी मेहनत से डेवलप किया था, क्योंकि इनके ज़माने में कोई आर्टिफिशियल गेन नहीं होते थे, इसलिए ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम्स में से एक हैं। फिल हीथ। फिल को द गिफ्ट के नाम से भी बुलाया जाता है। इन्होंने 4 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता है। इन्होंने आर्नोल्ड श्नेगर के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन्होंने 2011 में बेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड जीता था। इनको बॉडी बिल्डिंग का शौक 2002 में चढ़ा था। इसके बाद इन्होंने कुछ ही समय में अपना वजन बढ़ाया। इन्होंने अपनी बॉडी को डेवलप किया, मसल्स को इंक्रीज किया और बॉडी फैट को बहुत कम किया। इसके बाद इन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग ज्वाइन की और 2013 में वर्ल्ड टैग टीम चैम्पियनशिप का खिताब जीता। आज फिल काफ़ी मशहूर बॉडी बिल्डर हैं। ये हर दिन 2 से 3 घंटे जिम में बिताते हैं। इनके शोल्डर और मसल्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों इन्होंने दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है, लेकिन इनका मानना ये है कि अभी तो शुरुआत है और इनको अभी बहुत कुछ करना है।